अपनी J2 मोबाइल को किस तरीके से रिस्टोर करेंगे, ये सारी डिटेल्स में हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से आप आ जाएंगे ऐप्स पर, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर कुछ स्लाइड करेंगे ऐसे, और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रेस्ट का, इसमें जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री डेटा रेस्ट में जाएंगे। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और रिस्टोर डिवाइस, रेस्ट डिवाइस जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अपना पैटर्न लॉक यदि लगाए होंगे तो आपने लॉक यहाँ पर डालना है। उसके बाद में इरेज एवरीथिंग करना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये करने पर आपकी जितने भी फ़ोन में डेटा या आपके मोबाइल नंबर, जितने भी फ़ोन कार्ड में जो भी सेव होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। यदि आपके नंबर सिम कार्ड में सेव है तो डिलीट नहीं होंगे। उसके बाद में इरेज एवरीथिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपका मोबाइल शट डाउन होगा। उसके बाद में दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस आता है। देख सकते हो कि आप मोबाइल जो है एकदम से ऑफ हो चुका है। उसके बाद में इस तरीका से ओपन हुआ। कुछ देर टाइम लगता है, आपको वेट करना है। इस तरीका से जो है एंड्रॉयड किटकैट जो है ओपन हो जाता है, जो सिस्टम को अपडेट है या नहीं है इसको देखता है। उसके बाद में इस तरीका से आपको फिर से इंटरफेस आएगा सैमसंग लिख करके। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस का। तो इस तरीका से जो है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस कुछ देर के बाद में एक और ऑप्शन आपको देता है। इसके बाद में ये एग्रीमेंट जो है आपको क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट है इसके लिए, थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना है। इसको क्या करना है आपको, एक्सेप्ट कर लेना है। सीधा एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्योंकि इसको एक्सेप्ट जब करेंगे तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस जो है रीइंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे, जो गूगल की तरफ से आती है, जो मोबाइल में डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो सैमसंग की है, पेटीएम, या इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, वरना डिक्लाइन भी आप कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा कुछ टाइम लगता है, उसके बाद में आपका सेटअप जो है रेडी हो जाएगा। आप उसके बाद में दिखाते हैं कि क्या ऑप्शंस आते हैं। इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है, कुछ देर टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो चुका है। उसके बाद में एसेबिलिटी, यहाँ पर आपको अपने सिम को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी अदिति आप इसी सिम से डेटा अपना चलाना चाहते हैं या डन कर सकते हैं। उसके बाद में डन आपको कर देना है। डन करने के बाद में यहाँ पर जो है एरो का जो चिन्ह है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अपनी वाईफाई को यहाँ से ले लेना है। जो भी आपके अदर मोबाइल होंगे उसका वाईफाई आपको यहाँ पर, उसका हॉटस्पॉट आपको ऑन करना होगा, डेटा ऑन कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर लेना है। पहले यहाँ से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। यदि आप कनेक्ट हो जाता है उसके बाद में नेक्स्ट करना है। अब वो नेक्स्ट करेंगे, इसको कनेक्ट हो गया तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं इसे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर से इसे आपको नेक्स्ट करना है, इसको एग्रीमेंट को पढ़ करके। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में एग्री करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद में यह जो है सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का जो है चेकअप करता है। जस्ट सेकेंड, चेकिंग इंफॉर्मेशन। अब आपका सेटअप जो है कंप्लीट होने वाला ही है। इस तरीके से जो है आप लोग अपना जो है ईमेल यहाँ पर डालेंगे, और यदि ईमेल आप डालना नहीं चाहते हैं, बाद में डालना चाहते हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। उसके बाद में फिर से स्किप कर देना है। स्किप करने बाद में यहाँ से अपना दो नाम डालना है, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। चलिए हम अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देते हैं। फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद में लास्ट नेम डाल करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यदि आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो यहीं से लगा सकते हैं, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। चलिए हम इसे भी स्किप कर देते हैं। उसके बाद स्किप एनीवेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इन प्रोग्रेस। उसके बाद फिर से हम लोग स्किप करेंगे, फिर से स्किप करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो कि आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, एकदम से आपका मोबाइल जो है रीस्टोर हो चुका है। और ध्यान रखने वाली बात है कि आपके जो भी मोबाइल में डेटा होंगे वो सारे डिलीट हो गए होंगे जो फोन स्टोरेज में होते हैं, या कि वो कोई सॉन्ग्स हो गए, वीडियोज हो गए, या कोई फोटोज हो गए, वो डिलीट हो जाएंगे। और ईमेल आईडी आप बाद में लगा करके इसमें लॉग फिर से इसमें जीमेल अपना बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका जो है सैमसंग J2 मोबाइल जो है एकदम से रिस्टोर हो चुका है, बिल्कुल पूरा सही तरीका से। तो इस तरीके से आप लोग रिस्टोर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस आप लोग पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर